सबसे पहले बता दें आपको, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना वो सबसे ज्यादा अभी चल रही है जो घर बनवाते हैं बीपीएल। बीपीएल के पहले सबसे पहले मिलता था 81,000 रुपये मिलता था सभी को तीन किस्तों में, 30-30, फिर उसके बाद लास्ट में 40 मिलता था, 40-41। और 12,000 रुपये शौचालय के लिए अभी जैसे कोशिश हम भी कर रहे हैं, मिले नहीं है लोगों को, समटाइम किसी ने बढ़ाई कि हम बाद में देंगे, अभी वो खत्म कर दिया। अभी 1,20,000 रुपये मिलेगा आप लोगों को, जिसको मतलब बीपीएल का जिनका मकान बनेगा एक साथ उसका काम चले जाएगा 81,000, वो साथ चले जाएगा 12,000 रुपये शौचालय के साथ जाएगा, घूमने की जरूरत नहीं अभी तो वो नहीं देंगे। और 12-13,000 रुपये जो आप लोगों का मतलब जो है शौचालय जो बनाएगा उसकी मजदूरी उसी को मिलेगी, मकान वाले को बनाया 1,20,000 रुपये कर दिया उन्हें क्या बढ़ा करके वो आपके अकाउंट में। ये जैसे किया ये तो इसका है। उसके बाद मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पर इस तरह मनरेगा 100 दिन का पता है, 100 दिन का ये कोई भी कर सकता है, उसमें गरीब अमीर कोई भी कर सकता, जिसको जो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि गरीब ही करेगा, गरीबी ने करे चाहे तो उनकी इच्छा है, काम नहीं करना चाहे कोई भी, बाकी एक जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, नौकरी नहीं होना चाहिए करने वाला आदमी, बाकी कोई कर सकता है 100 दिन में 1 साल में मतलब उसका काम कर सकता है, ठीक है। रही काम की बात, ये जरूरी नहीं का पंचायत का काम ही करोगी उसे मतलब जो है मनरेगा में, अगर आपके खेत की भी अगर आप गोल बांधते हैं या उसमें भी आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उसका भी आपको मतलब पैसा मिलेगा मनरेगा के तहत, आपका कार्ड बनना चाहिए, सरपंच कार्ड बनाएगा तो उसका उसके बाद ऑनलाइन होना चाहिए, वो आपने मेहनत का अपने खेत में करो तो भी मिल सकता है, डोल डाल के लिए बांध कर। अच्छा महिलाएं जितनी नहीं है सरपंच साहब नहीं की दूर जानी चाहिए तो उनके लिए भी अच्छी प्रोग्राम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना पर पहले से चल रही है तो हमारे मतलब जो ये सहायता फाउंडेशन मैडम भी आई है बता रही है, इनके लिए मतलब जो जैसे कुछ ये है महीने में 2 बार मीटिंग करेंगे, पहले कम होती थी अब 2 बार करेंगे, सरपंच जगह देगा जहाँ भी बताएंगे उस पर जगह दी जाएगी बताएंगे, इसमें हम मतलब जो एजुकेशन के हिसाब से काम करवाएंगे, जैसे कुछ सिलाई का काम करेंगे, जैसे कोई ये काम करेंगे कोई ये भी काम करेंगे, उस हिसाब से बाद में उनको मतलब जो है अगर ये ट्रेंड हो जाए इस काम इनको लगे कि ये काम कर सकती हैं उसके बाद उनको पैसा चाहिए तो पैसा वो उनको मतलब जो है वो मिलेगा, उनको ऋण मिलेगा तो नहीं है लोन मिलेगा जैसा कि वो काम करेंगे। एक ही नई स्कीम निकाली है ये जवानों के लिए, जवान अपने भाई बैठे हैं भाई रोजगार है पढ़े बेरोजगार है पढ़े लिखे हैं उनके लिए नहीं है मतलब जो ये अपने सीएम साहब ने हरियाणा में सेंट्रल स्कीम है ही अपनी ये दिल्ली स्कीम है हरियाणा मेरा क्वेश्चन मेरी पहचान इसमें क्या है कि आप लोग पंजीकरण करवाएंगे पहले ठीक है, ये 5-7 दिन में